नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ जो है वैकेंसी आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड तथा हेल्पर पदों के लिए जो है वैकेंसी आई है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट हो गया है भराना। दोस्तों आप लोग जो है इस वैकेंसी को डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिर्फ कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई फी देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट जो है आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, सिर्फ इंटरव्यू है छोटा सा दोस्तों, और डायरेक्ट जो है आप लोगों का सिलेक्शन। अगर यदि आप आठवीं पास लेकर के ग्रेजुएट पास तक है तो दोस्तों इस फॉर्म को जरूर भरें दोस्तों। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो आपको बताते हैं कब से लास्ट डेट है। दोस्तों लास्ट डेट इसका सामने आ चुका है 30 तारीख तक, यानी 30 जून तक जो है लास्ट डेट है। इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके आप लोग भरें दोस्तों। चलिए पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, कुल जो है 650 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, आठवीं से लेकर के ग्रेजुएट पास तक के लिए अच्छा मौका है दोस्तों, भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये जो फॉर्म निकला है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर पदों के लिए, ये जो है दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते चलते दोस्तों बहुत सारे जो है वर्कर घर आए हुए हैं दोस्तों, और मतलब दूसरी जगह जाने नहीं देना चाहते हैं सरकार, इसी के चलते जो है वैकेंसी निकाला गया है। तो जरूर इस जो इंटरेस्टेड है दोस्तों, जरूर इस फॉर्म को भरें। देखिए लॉकडाउन में प्रवासियों की घर वापसी होने के बाद जो है दूसरे राज्यों की कई बड़े बड़े उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। धीरे धीरे जब अनलॉक की स्थिति सामने आई है, ऐसे में अब बिहार श्रमिकों की मांग एक बार फिर बढ़ गई है। काफ़ी संख्या में जो है श्रमिक एक बार फिर दूसरे राज्य में नौकरी तलाश के लिए जा रहे हैं, लेकिन कई श्रमिक ऐसे हैं जो अब अपने ज़िले में ही रोजगार धंधा करना पसंद कर रहे हैं, और अच्छी बात है। देखिए किन किन शहरों में जो है आप लोगों का होने वाला है दोस्तों, यह देखिए टाटा में होगा, धनबाद में होगा, आसनसोल में होगा, कोलकाता में होगा, अहमदाबाद में होगा, लुधियाना आदि शहरों में जो है श्रमिकों की मांग के मद्देनज़र पटना की कंसल्टेंसी होप हेल्प केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है टाटा, धनबाद, आसनसोल तथा कोलकाता में आठवीं इंटर और ग्रेजुएट पास के लिए जो है 18 से 50 वर्ष के जो है 400 सिक्योरिटी गार्ड तथा अहमदाबाद एवं लुधियाना में जो है अनपढ़ आठवीं और मैट्रिक पास के लिए जो 18 से 45 वर्ष के लिए 250 देखिए धाग जो है मिल हेल्पर की आवश्यकता के जो है मद्देनज़र आगामी 30 तारीख को जिला नियोजनालय में ऑनलाइन जॉब कार्ड जो है आयोजित किया जाएगा। देखिए 30 तारीख तक जो है अब किया जाएगा दोस्तों, और जल्द से जल्द जो है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिए बेरोजगार को जो है इतनी दी जाएगी सैलरी क्या रहेगा, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए देखिए 11,000 से लेकर के 17,000 रुपये तक, धागा मिल हेल्पर के लिए देखिए 13,000 से लेकर के 17,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। सभी को जो है इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी के साथ जो है बोनस दिए जाने की भी बात कही गई है, तो अच्छी बात है दोस्तों, बोनस भी मिल रहा है साथ में। देखिए नियोजनालय में संपर्क कर सकते हैं। देखिए सूचना यह है कि जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि संक्रमण के कारण भौतिक रूप से जो है जब कैंप का आयोजन नहीं की हो सकता है, ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड तथा हेल्पर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 26 से लेकर के 30 जून तक जो है अपना बायोडाटा लेकर नियोजनालय में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के मामले में बढ़ने पर जो है बड़ी संख्या में बिहार के लोगों की वापसी हो गई थी। संक्रमण कम होने पर फिर से राज्य के जो है लोग की मांग बढ़ गई है और कंपनियों की जो है मोटी पगार पर बुलाने लगी है। तो दोस्तों ये था पूरा न्यूज़ दोस्तों, बिहार की तरफ से जो है यह वैकेंसी आई है दोस्तों। तो आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को सूचना देना दोस्तों। आप अगर यदि इंटरेस्टेड हैं ज़रूर इस फॉर्म को भरें। धन्यवाद।